डॉक्टर साहिब बड़ा अहम मसला ये स्मेल बहुत बदबू बहुत आपस में गुजर गया बंदा यूं करके आए हाय यार कोई डिओड्रेंट तो लगाओ अल्लाह के बंदे कोई अच्छा सा बॉडी स्प्रे ख़रीदो यार अक्सर ये होता है और कहा ये भी जाता है हमने बचपन से सुना है कि खून में होती है भाई ये जो बदबू होती है ये खून में है मतलब जिसके खून में है उसके आ रही है मतलब किसी के पास से आंडू पकड़े की भी आ रही है अजीब मतलब अजीब सी बात है फनी सी बात कर रहा हूँ लेकिन ये है कि स्मेल का आना अब वो बाहर जाहिर जाएगा भी धूप में भी जाएगा तो इससे बचा कैसे जाए ऊद पह... की ऊद से हुसल करेगा <laughs> इस पर एक वीडियो भी बनाई थी तो सबने का एक नहा सिर्फ वो काफी है जाके नहाने के बाद भी बेसिकली नहाना इसलिए काफी नहीं है, तो ना ना काफी नहीं है हाँ, क्योंकि आप जितना मर्जी नहा लो आप जहाँ पे भी रहते हो डिपेंडिंग ठंडे माहौल में या गर्म माहौल में और खासतौर पर पाकिस्तानी जैसे माहौल में आपको पसीना आना ही आना है हाँ, और जो पसीना होता है उसमें बू नहीं होती हम पसीने में कभी बू नहीं होती जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे होते हैं स्किन से वो जब पसीने के साथ मिलता है तो बैक्टीरिया फिर स्मेल पैदा करता है ओके okay. तो आपने बैक्टीरिया को अटैक करना है ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा गौर से सुना <laughs> <आचा>। अच्छा <laughs> तो आपने बैक्टीरिया को अटैक करना है और उसके लिए फिर काफी तरीके हैं अगर तो देसी तरीका है जिसे फिटकरी कहते हैं फिटकरी। क्योंकि वो अलु, 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 जिसे हम स्मेल के लिए हाँ जी फिटकड़ी वो फिटकरी फिटकरी? जी, जी फटक जी, जी, जो भी तो उसमें जो होता है ना वो आप उससे पहले तो वो घर का टोट का उसमें तो पैसे भी नहीं लगेंगे आपके क्यूँकी उसको जिस तरह पाकिस्तानी स्टाइल में अल्यूमिनियम कहते हैं हम अल्यूमिनियम कहते हैं मुझे थोड़ा सा मस्ती करने का दिल कर रहा है मैं अभी एक बड़ा सा स्विमिंग पूल में फटकरी डाल के अपनी टीम को खुदवाऊंगा अच्छा इसका जो साइंटिफिक है जो गोरे बेचते हैं आपको तो जो मार्केट में बिकता है वो भी अल्यूमिनियम है जिसे पाकिस्तानी एक्सेंट में अलुमिनियम कहते हैं आप वो भी अल्युमिनियम है दोनों वही काम कर रहे हैं ज़रा सा मैकेनिज्म एक्शन डिफरेंट है वो जरा देसी टोटका है अब जिस तरह से आप कहती है देसी टोटका भी अगर कोई मुझे आके पूछता है डॉक्टर साहब ये काम करता है तो मैं उसका इंग्रेडिएंट चेक करती हूँ कि भाई उसका केमिकल इंग्रेडिएंट कौन सा है काम करेगा कि नहीं तो फटक्री काम करता है क्योंकि वो भी वही है और एंटी परस्परेंट जो आप लगाते हैं अच्छा उसका एक मैं ट्रिप ज़रूर देती जाऊँ कि अगर आप एंटीपरस्परेंट होता है जो पसीने को रोकता है ठीक है वो आप रात को लगा के सोएं लोग यूजली ऑफिस में जाने से पहले दिन को लगाते हैं रात को नहीं लगाते डियोडरेंट डिफरेंट चीज़ होती है एंटी परस्परेंट डिफरेंट चीज़ है okay. डिओड्रेंट जो होता है ना वो स्मेल को ख़त्म करता है क्योंकि उसमें खुशबू होती है तो आपके पसीने को नहीं रोक रहा आपकी मेन को नहीं खत्म कर रहा रात को सोने से पहले लगाएं जो पसीने को खत्म करेगा क्या चीज़ आ, एंटी का मतलब अगेंस्ट मींस जो पसीने को रोकता है वो जिस तरह से डिओड्रेंट होता है ना हाँ। उसी तरह मिलता है वो ट्यूबों में जो आप लगा रहे होते हैं पाकिस्तान में कौन से नाम से आता है वो रात को लगाएं सुबह उठ के आप जो रेंट लगा लें, आपका मसला हल हो जाएगा और फिर रो आप जब ना नहीं तो फिर ये ये लोग बोलेंगे बड़ा एक्सपेंसिव होगा और ये सारी चीजें लाइफ बॉय खरीदते हैं लाइफ खरीदते हैं ना

कपड़े धोने वाले साबुन से भी नहा लेते हैं अब आप ये आपको अजीब सी बात बाल लगते सूफी, वो लाडो के लश् कपड़े बनाए प्यारे प्यारे उससे भी मैंने लोगों को नहाते हुए तो देखा नहा हाँ ये बात है लेकिन उसमें फिर वो एक कॉन्स्पेरिसी थी कि उससे बाल बहुत सिल्की हो रहे हैं कपड़े धोने वाले साबुन से वो पीले कलर का आता था दस रुपए का इतने बड़े बड़ी वो आ जाती थी लंबी सी डंडी साबुन की तो वो खैर वो एक अजीब बात थी